बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से भाई मैं लाइव हूँ आपके साथ और आपको दे दूंगा एक अपडेट। सऊदी अरब से अपडेट ये है भाई कि मैं आपको वक्तन फक्तन भाई ऐसे कवानीन से आगाह करता रहता हूँ सऊदी अरब के, जिनको भाई कोई भी आपकी एक छोटी सी गलती आपको भाई या तो जुर्माना करवा सकती है या जेल करवा सकती है। तो ऐसे तमाम तर कवानीन से भाई आपको मैं आगाह करता रहता हूँ कि ऐसी कोई भी गलती मत कीजिएगा, खासकर पुलिस यानी कि शुरता दौरियात मरूर के सामने। तो भाई अगर किसी सऊदी के सामने भी हम ऐसा काम करते हैं तो हो सकता है वो सऊदी भी पुलिस को कॉल कर दे या हमारी पिक्चर वगैरह या वीडियो वगैरह बनाकर पुलिस को सेंड कर सकता है। यहां पर मैंने ऐसे केस भी देखे हैं। तो आज की वीडियो में आपको बता दूंगा भाई, आप सब भाइयों को पहले ही से पता है लेकिन मैं आपको थोड़ी अपडेट दे दूंगा इसके मुतालिक। ये है भाई यानी कि मास्क के मुताबिक भाई आपको छोटी सी मैं अपडेट दे दूंगा। मास्क के भाई जुर्मानों में इजाफा कर दिया गया है। ऐसा नहीं किया गया है, 1000 फाइन था, 1000 ही रखा गया है, इसमें इजाफा नहीं किया गया है। लेकिन इसकी सख्ती में मैं बोलूंगा आपको कि इजाफा कर दिया गया है। 22 लोगों को पकड़ा जा रखा है और उन पर जुर्माने किए जा रखे हैं, पिक्चर खींची जा रही है। सीधी साफ सी बात है, मैं साइड पर था, हम साइड पर थे, अपनी कंपनी के साथ काम कर रहे थे। वहां पर एक सऊदी आया जी, सिर्फ उसने तोप डाली हुई है, सफेद कपड़े, और उसने हमको रोका है। हमारे एक बंदे ने मास्क नहीं लगाया हुआ था, उससे देखते जल्दी जल्दी उसने भी मास्क लगा लिया, लेकिन वो हमारी तमाम की पिक्चरें बना रखा था कि तुम लोग मास्क नहीं लगाते हो, लेकिन हमने लगाए हुए थे, शायद इसलिए बचत होगी हमारी भाई। तो सऊदी अरब के किन शहरों में से कितने अभी तक जुर्माने आ चुके हैं सऊदी भाई गवर्नमेंट की तरफ से, सऊदी अखबार की तरफ से, आपको मैं ये न्यूज दिखा भी रहा हूं, साथ में आप देख भी सकते हैं अपनी स्क्रीन पर किन शहरों में से कितने अफराद को जुर्माने किए जा चुके हैं। अब टोटल तो नहीं है लेकिन ये 2-4 दिन की अपडेट देते रहते हैं मुख्तलिफ। तो अब सबसे पहले रियाज है जी, 144, हालांकि रियाज में 244 अफराद को इससे पहले भी मैं आपके साथ न्यूज शेयर कर चुका हूं कि 250 के करीब अफराद को पहले भी जुर्माना किया जा चुका है। तो अभी की अपडेट ये है जी, रियाज से 144 बंदों को मास्क का जुर्माना किया जा चुका है, 1000 फाइन। कसीम में 182 अफराद को, नजरान 105 अफराद को, तबूक 183 अफराद को, अलजोफ में 18 अफराद को। इसके अलावा भी भाई दूसरे शहरों में भी मास्क के जुर्माने किए गए हैं लेकिन वो तादाद कम थी, 5-7-10 ऐसे। जैसे ही वो भाई 100 में या 100 अप होगी, 100 से अप बंदों की तादाद होगी, तो वो भी भाई सोशल मीडिया पर वो डाल देंगे। ऐसा नहीं है किसी और शहर में जुर्माने नहीं है। तमाम सऊदी अरब में भाई मास्क के मुतालिक बहुत सख्ती की जा रही है, पहले से भी ज्यादा सख्ती की जा रही है, खासकर इन ईद के दिनों में। आप भाई जुमा की नमाज या ईद के नमाज के लिए जब मस्जिद की तरफ गए होंगे तो आपने देखा होगा वहां पर पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई हैं और वो क्या करते क्या हैं, वो गाड़ी के अंदर ही बैठे हुए हैं लेकिन वो देख रहे हैं। अगर किसी बंदे ने भाई मास्क नहीं लगाया हुआ है या मास्क नीचे किया हुआ है तो ऐसे दूसरे के साथ गपशप कर रहा है तो वो देख लेते हैं, फिर वो भाई नीचे उतरते हैं, उसको बुलाते हैं, चाहे फिर आप मास्क ऊपर ही कर लें उसे देखकर या उसे उसके बुलाने पर, तो फिर वो आपकी तस्वीर लेगा वो, क्योंकि पुलिस वाला कुछ आम सऊदी तो है नहीं है वो, फिर वो भाई आपकी तस्वीर लेगा और आपके नाम पर जुर्माना 1000 भाई डाल देगा आपको। तो एहतियात कीजिए मास्क के मुतालिक भाई, 1000 रियाल से हटकर भी हमें अपनी और दूसरों की सेहत का ख्याल रखना चाहिए। अगर मेरी भाई ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, बस अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सऊदी अरब से भाई आपको किसी भी किस्म की और न्यूज़ चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको उस मुतालिक भी न्यूज़ से अपडेट कर सकूँ सऊदी अरब से। अल्लाह हाफिज़।